हेलो गेमर्स, हम अपने INYT गैंग के कमेंट्स कभी मिस नहीं करते। आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है ये हमें आपके कमेंट्स से ही पता चलता है। आपकी वो सारी रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली हैं, जैसे कि पबजी मोबाइल TDM और क्लासिक गेम प्ले टेक्निक्स, COD मोबाइल गन टेस्ट, और उन सब वीडियोस पर हमने काम करना शुरू भी कर दिया है। बहुत जल्द हम आपके लिए वो सब लाने वाले हैं। और भी आपके हर तरह के डाउट्स और रिक्वेस्ट आप बेझिझक कमेंट्स में हमें बताते रहो, हम सारे गेम रिलेटेड टॉपिक्स आपके लिए यूं ही कवर करते रहेंगे। तो 14 अक्टूबर यानी कि कल पबजी ने अपने आने वाले नए अपडेट का एक मेंटेनेंस नोटिस जारी किया। वैसे तो अगर याद किया जाए, आज तक पबजी में होने वाले बदलाव समझने वाले थे। हर बार एक प्यारी सी क्यूट सी नई गन दे दिया करते थे, कोई नया मैप चला दिया करते थे, कभी असॉल्ट राइफल से ATAGS निकाल दिया करते थे। वैसी ही ज्यादातर चीजें जो इस नोटिस में बताई वो एक्सपेक्टेड थी, पर जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो था इन सब एग्जिस्टिंग गन्स में होने वाले इतने बड़े बदलाव। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब UMP9 नहीं रही, वेक्टर भी वो वेक्टर नहीं रही है। जिस तरह पबजी ने अपने चाइनीज वर्जन में वेक्टर को 9mm एमओ दिया हुआ है और UMP को 45 ACP, इन गन्स को अपने ग्लोबल वर्जन में भी पबजी ठीक वैसा ही बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और भी बड़े बदलाव करने की घोषणा कर दी है पबजी ने। इनमें सबसे बड़ा बदलाव है UMP की आवाज। अगला है इसकी मैगजीन कैपेसिटी। फिलहाल एक्सटेंडेड मैग के साथ 40 है और उसके बिना 30, पर अपडेट के बाद एक्सटेंडेड मैग के साथ सिर्फ 35 रह जाएगी और उसके बिना सिर्फ 25। गाइस, UMP अब UMP 9 से UMP 45 होने जा रही है। इसकी बुलेट फायरिंग साउंड जो अब तक कुछ इस तरह है, अब वो कुछ ऐसी होने वाली है। विक्टर का भी बेस डैमेज अब 34 से घटाकर 31 कर दिया जाएगा। पर अच्छी खबर यह है कि विक्टर की बेस मैग कैपेसिटी जो फिलहाल 13 है, उसे बढ़ाकर 19 कर दिया जाएगा, और एक्सटेंडेड मैग के साथ जो कि 25 है, वो भी बढ़कर 33 हो जाएगी। विक्टर की आवाज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। छेड़छाड़ की गई है तो शॉटगन की बुलेट लूप्स में। S686 और S1897 दोनों में यूज होने वाले बुलेट लूप्स गायब कर दिए जाएंगे और उनमें यूज होंगे स्नाइपर विन 94 और कार 98 में लगने वाले बुलेट लूप्स। ठीक इसी तरह सारी पिस्टल्स में लगने वाले मैग्स भी हटा दिए जाएंगे और उनमें भी SMG में यूज होने वाले मैग्स ही लगेंगे। और क्योंकि पिस्टल्स की मजल में सिर्फ सप्रेसर ही लगता है, तो SMG वाला सप्रेसर ही अब से पिस्टल्स में लगेगा। वैसे M16A4 और MK47 में भी बदलाव की एक अच्छी खबर आई है। M416 और वेक्टर में इस्तेमाल होने वाला टैक्स स्टॉक अब इन दोनों में भी लग जाएगा। इसका मतलब है इन गन्स को वो खराब रिकॉल और वेपन शेक जिसकी वजह से हम इन्हें अभी तक यूज नहीं करते थे, वो दिक्कत अब काफी हद तक दूर होने वाली है। आपके लिए इसके रिकॉयल कंट्रोल और शेक टेस्ट भी किए हमने। तो इसी तरह के सारे छोटे और बड़े अपडेट्स हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गेमर्स।